नाजरीन, जब घर में एक बच्ची पैदा होती है तो सोचिए कि माँ बाप कितनी खुशी मनाते हैं, और जब उनका पालन पोषण होता है तो माँ बाप के लिए कितनी वो मसरत की बात होती है। कैसे एक माँ बाप अपने औलाद को पालता है ये वही जानता है, और यहाँ पर जब उनको थोड़ी सी ठेस लगती है तो दिल में एक चुभन सी रहती है, एक दिल को बेकरारी मिलती है कि इसको कैसे लगी है। सोचिए, अब किसी पर अगर कोई हमला हो जाता है तो इस बच्ची पर या उसके पेरेंट्स पर क्या गुजरती होगी। यही हाल 2014 में हुआ। 2014 में एक लॉ स्टूडेंट, उन पर एसिड अटैक होता है। ये नौशहरा लॉ कॉलेज के नज़दीक ये इंसिडेंट होता है, जहां पर मारुति सवार इस लड़की पर एसिड अटैक करते हैं। खूबसूरती उसकी तो गई, लेकिन साथ में ही उसको उम्र भर के लिए अपाहिज कर दिया। और सोचिए उनके माँ बाप पर आज भी क्या बीतती होगी। ऐसे ही कहीं एक इंसिडेंट्स यहाँ पर हुए, उस इंसिडेंट्स में आज तक हमने देखा कि उनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन आज भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस लास्ट स्टूडेंट के लिए आज भी ये केस ज़ेरे इल्तिमा है, यानी कि अभी भी ये सब जुडिशस है। यहाँ पर आज उनको इंसाफ मिलने की हमें पूरी तवक्का है, और उसमें आज हमारे साथ में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनाब अब्दुल अजीज तीली साहब है, जो इस एसिड विक्टिम के लिए लड़ रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि उसकी एक आंख इस एसिड अटैक में डैमेज हुई थी, और साथ में ही उसका एक पोर्शन ऑफ फेस जो है पूरी तरह से डैमेज हो गया है। अगरचे यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऑर्डर भी पास किया था, जिसमें यहां पर इन जैसे विक्टिम्स के लिए एक रिजर्वेशन के तहत उनको नौकरी भी फराहम करने का जो है वादा किया गया था। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब है वही बेहतर बता सकते हैं कि उस ऑर्डर में क्या लिखा गया था। लेकिन आपको मैं बताऊं कि करीब करीब लाखों की तादाद में जो इस विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इस पर खर्चा किया है, तो भी उनकी हालत बिल्कुल जूत की तू ही बनी हुई है। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। थैंक यू। तेली साहब, ये मुझे बताइए कि इस इंसिडेंट के बाद अगर देखेंगे तो 9 साल बीत गए, 9 सालों के बाद आज लग रहा है कि उसको इंसाफ मिलेगा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर बताया गया है कि 10 साल जो है मिनिमम सज़ा उसको हो सकती है, और उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में भी बता सकते हैं कि उसमें भी बात चल रही है। आप मुझे थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि कब ये इंसिडेंट हुआ था, और इतने टाइम के बाद आज क्यों इसमें इतना फैसला जो है वो लिया गया, क्यों नहीं इसमें फास्ट ट्रायल बुनियादों पर ये मसले जो है हल किए जाते हैं। थैंक यू। ये ऐसा हुआ है, फैक्ट्स ऑफ द केस, और 2014 में दिसंबर का महीना था, तो नौशहरा में एक लड़की ज़ेरे तहवील थी लॉ कॉलेज में, वो लॉ डिग्री के लिए पढ़ रही थी वहाँ। तो सुबह जब वो कॉलेज जा रही थी तो एक मारुति कार आई एक रोड पे जो नौशहरा कॉलेज की तरफ जा रही थी, तो मारुति से उस पर एसिड फेंका गया और मारुति वाला भाग गया। तो इस असने में वहाँ और कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और कुछ राहगीर थे, उन्होंने इस लड़की को उठाया, इसको सिकिम्स पहुँचाया। ये मैं बीच बीच में बताता हूँ आपको, सिकिम्स पहुँचाया। मेन टाइम कुछ स्टूडेंट्स ने और लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल ने रिटन कंप्लेंट की पुलिस स्टेशन सोरा में, तो FIR दर्ज हुआ इस केस के मतलब, इस अटैक के मतलब। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान गवर्नमेंट ने एक सिट कायम की, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसकी सरबराही उस वक्त के SP हजरत अबल मिस्टर क्या नाम है रई साहब, उसकी सरबराही में 3 रुकनी सिट थी, तो उन्होंने से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उस वक्त मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्रीनगर था इन ऑल केसेस। तो आफ्टर फुल फ्लैज इन्वेस्टिगेशन द चार्ज शीट वॉज फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीनगर। तो केस वॉज इमीडिएटली रजिस्टर्ड, बट इन्वेस्टिगेशन टुक 5-6 मंथ्स। एंड इसके इंस्टीट्यूशन में बताऊंगा आपको, 26/3/2015 को कोर्ट में चार्जशीट पेश किया गया। इसमें दो मुलजमान गिरफ्तार हुए। एक मुलजिम का नाम है इरशाद अमीन, जो राजबाग का एरिया का है, दूसरा है उमर नूर जो बेमिना का है। तो इनकी एज क्या थी तब जब उन्हें उस वक्त, उसकी एक की 26 थी शायद 25, दूसरी 25 की थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो मेजर थे दोनों। तो चार्जशीट फाइल हुआ अंडर सेक्शन, ये FIR नंबर भी है
चार्ज शीट फाइल हुआ अंडर FIR नंबर 136 ऑफ 2014 ऑफ पुलिस स्टेशन सोवरा, ऑफेंसेस अंडर 326A, 120B एंड 201 RPC। क्योंकि उस वक्त यूनियन टेरिटरी नहीं थी, ये यहाँ RPC चलता था। बिल्कुल, तो RPC नहीं है, आज IPC है। IPC है। तो चार्ज शीट हुआ, उसके बाद मुलजमान के हाजिरी में पहले इसमें चार्ज पे बहस होती है, वेदर चार्ज कैन बी फ्रेम्ड और नॉट। तो आफ्टर हियरिंग बोथ द काउंसल, डिफेंस काउंसिल और मेरे आर्ग्यूमेंट सुने गए, तो उन पर चार्ज इन्हीं सेक्शन के तहत आयद किया गया। इसके बाद कोर्ट ने डायरेक्शन की प्रोसिक्यूशन को क्या आप एविडेंस, और एज पर द चार्ज शीट इसमें 48 विटनेसेस थे, लॉन्ग लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जिसमें कुछ आई विटनेस थे, कुछ बाकी थे। तो मुलजमान ने इंकशाफ किया था कोर्ट में जिसमें ज्यूरी इन्वेस्टिगेशन की दे हैव डन दिस एक्ट। तो चार्ज शीट के वक्त गुजरता गया, एविडेंस में लाता गया, क्योंकि हालात आप देखते हैं यहाँ इतने नॉर्मल नहीं थे, कोर्ट्स नॉर्मली फंक्शन नहीं करते थे, तो इसमें टाइम लगा। और सबसे बड़ी बात है, जब ऐसे सीरियस केसों में विटनेस आता है, इसको क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि डिफेंस का 48 तो डिफेंस विटनेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो क्रॉस एग्जामिन करें, जो कि उनका हक भी है डिफेंस विटनेस का, उसमें हम कटेल नहीं कर सकते हैं। तो चलते 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 तो ड्यूरिंग द ट्रायल इन्होंने बहुत सी बेल एप्लीकेशंस की, लेकिन पिछले 9 साल से जेल में कंटिन्यूसली है। तो फाइनली इसमें हमने जब एविडेंस हमने क्लोज कर दी, तकरीबन आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने एविडेंस अपनी प्रोसिक्यूशन की कंप्लीट कर दी। तो रईस साहब जो इस वक्त दिए, तो जजमेंट कुड नॉट, फिर नए एसए से हमें आर्ग्यूमेंट करने पड़े। तो उस आर्ग्यूमेंट में हमें तकरीबन 5-6 महीने लगे, कि वेरी सीरियस केस था, एविडेंस पढ़नी थी, लंबी एविडेंस थी, लंबा क्रॉस एग्जामिनेशन था। तो फाइनली कोर्ट ने ये आज से 5 महीने पहले जजमेंट रिजर्व कर दी। तो ऑनरेबल जज साहब को 5 महीने लगे इसमें, क्योंकि वेरी वेरी सीरियस, उसको देखना था फुल फ्लैज, क्योंकि ऐसे सीरियस केस होते हैं। यहाँ पर जो वकला साहब है उन पर भी उंगलियाँ उठ रही है कि ये केस को प्रोलॉन्ग इसलिए करते हैं ताकि उनकी फीस चलती रहे। आप उसके लिए क्या कहें? आई विल कम टू यू। जब मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस में था, फिर मैं पब्लिक, मेरी टर्म एक्सपायर हो गई। तो लेकिन इसका बाप, उसने ये अप्रोच द गवर्नमेंट कि मुझे तेली साहब ही चाहिए एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो मुझसे लॉ डिपार्टमेंट ने मांगी कि आप ये करेंगे केस, तो मैंने वॉलंटियरली अपनी कंसर्न दी कि मैं ये केस विदाउट एनी फी करूंगा। सो आई एम नॉट क्लेमिंग, दिस वाज माय, एज आई हैव डन इन अदर केसेस एज वेल। और इस टोटली मुझे 5 केसेस स्पेशल केसेस, 3 मर्डर केसेस और ये केस एज स्पेशल PP एंट्रस्ट किया गया, बाकी में PP दूसरा था। तो इंशाल्लाह उन तीनों में, चारों में मैं कामयाब हुआ ये कन्विक्शन लाने में। हर में आपको मशहूर है एक वो रोमाना मर्डर केस, उसकी छानपोरा एसिड केस, उसकी हमने आज कहते हैं आप डिले किया। मर्डर केस खराजपुरा का था? नहीं, रोमाना मर्डर केस हुआ जिसका रावल, ये इंदिरा गांधी रोड पे हुआ था, जिसको गाड़ी से टकराया था, उसमें लाइफ हो गई। और दूसरा एसिड केस छानपोरा, वो रियाज नाथ यहाँ कहते हैं आपने डिले किया, वहाँ हमने 6 महीने में ट्रायल कम्प्लीट कर दी। रीज़न क्या है? वहाँ कम विटनेस थे, तो उसने 10 साल निकाले। उस वक्त 326 नहीं था, ये नहीं था, उस वक्त 307 में उसको पनिशमेंट हुई। सो आई वॉज वेल अवे एक्सपीरियंसड इन सच केसेस, बिकॉज मैंने मर्डर ट्रायल्स किए, रैप ट्रायल्स किए और प्रोसिक्यूशन और NDPS केसेस किए, एंड आई गॉट सक्सीडेड एटलीस्ट मोर देन 30 केसेस कन्विक्शन, विच इज रेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द प्रोसिक्यूशन। RPC और जो IPC अभी बना हुआ है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सेक्शन एक ही है, लेकिन पहले जो है बताया जाता था RPC, जल्दी जल्दी केसेस जो है, नहीं इसमें कोई कोई भैया RPC अब IPC बन गया, कोई बात नहीं है। ये मुझे बताइए कि अगर देखेंगे तो ऐसे कहीं एक इंसिडेंट्स है जो पास्ट में भी हुए हैं और आज भी हम देख रहे हैं कि कश्मीर जो नाम था यहाँ पर कि भाईचारे का, कश्मीरियत नाम थी। आप उस पे बैठ में आ जाइए। नहीं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भी देख रहे हैं कि इन विक्टिम्स को अभी भी जो है जस्टिस नहीं मिल पा रही है, काफी ज्यादा टाइम लिया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि इसमें फास्ट ट्रैक बुनियादों पर ये आई विल एक्सप्लेन पहले इस केस में बताऊंगा। तो फाइनली जब परसों कोर्ट ने ये कॉजलिस्ट में निकाला जजमेंट के लिए,
तो टुडे वी अपियर्ड और हमने मुलजमान को सेंट्रल जेल से लाया था क्योंकि जजमेंट इज बी प्रोनाउंस इन प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज, ये तो लॉ है। तो कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, कोर्ट ने उनको हेल्ड किया गिल्टी और कन्विक्ट किया उनको, जो मैंने ऊपर बताया आपको सेक्शंस उसमें। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने कहा मैं कि इनको सज़ा कितनी दी जाए उस पर आपको सुनूंगा 19 तारीख को जी। उसको हम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं बोथ को। तो डिफेंस विल नॉर्मली से 10 years, सो माई एंड्योर विल बी टू गेट द लाइफ कन्विक्शन फॉर द बोथ एक्यूज एंड देयर आर सम रीजन सम ग्राउंड्स ऑन विच आई विल प्रे बिफोर द कोर्ट फॉर द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज माई आर्ग्यूमेंट्स टू यू टूडे बिकॉज आई हैव टू पुट देम I can't disclose my defense, my offense today, this defense today. So I will not tell you those things on what grounds. But in short, मैं कहूँगा क्योंकि ऐसे केस एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होते, ये एज अ होल अगेंस्ट सोसाइटी है, और especially ये केसेस अदर अगेंस्ट वुमेन फोक हैं जो एक सिन पे नाजुक है, सही बात है। सो इन केसों में मेरी पर्सनल है इसमें डेटरेंट पनिशमेंट होनी चाहिए, रैप में, इसमें, और इवन जो NDPS हमारी सोसाइटी को तबाह कर रहा है उनमें डेटरेंट पनिशमेंट होनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल कन्विक्शन है। तो जो विक्टिम है उनको कुछ कंपनसेशन आई विल टू इसमें प्रोसिक्यूट इसमें सेक्शन 326A में मिनिमम पनिशमेंट है 10 years और मैक्सिमम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, राइट। नेचुरली आई विल क्लेम द लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड टू द जस्टिस द विक्टिम, क्योंकि आप देखिए ऐसे जो विक्टिम होते हैं उनकी सारी लाइफ बर्बाद होती है। दुनिया खूबसूरत, हर एक खूबसूरती चाहता है, जब खूबसूरती गई उसकी शादी नहीं होगी, उसका सोशल स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा वो किसी महफिल में नहीं बैठ सकती, कोई बैठ उसके साथ बैठेगा नहीं, खाना नहीं खा सकता है, क्योंकि जब आप कम्प्लेक्स आप देखिए अगर हमारी शादी है कोई औरत बेचारी शकील ना हो तो उसके सामने खाना नहीं खाता, सो शी हैज टू फेस दैट ट्रॉमा, हाउ दैट कैन बी कंपनसेटेड। तो इस बारे में वो दो जवान हैं उनको कौन सा हक है, दे विल गो बी फ्री आफ्टर 10 years, सो दे हैव नो राइट, दिस इज माई पर्सनल व्यू। तुमने ऐसा गुनाह ना किया, और इसमें इन खास तौर से एसिड में पार्लियामेंट हैज टेकन इट वेरी सीरियस, सो इट इज बिकॉज इन 2013 पार्लियामेंट हैज अमेंडेड द लॉ एंड मेड 326 एंड और लाइफ प्रेस्क्राइब हुई। अब अगर प्रेस्क्राइब हुई पार्लियामेंट, इनको दी क्यों नहीं जाए लाइफ, जरूरत क्या थी फिर लाइफ देने की, फिर तो 10 साल काफी थे। और इसमें एक बहुत अच्छा पहलू, मैं इसके सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहा था, उसमें फाइन इम्पोज उतना करना है कोर्ट को जितना भी खर्चा इस विक्टिम पर आया हो, और जो सो फॉर आई हैव इन्फॉर्मेशन एज पर माई द क्लाइंट द विक्टिम शी हैज गिवन मी स्टेटमेंट ऑफ द खर्चा, उसको 37 लाख खर्चा आए, गरीब फैमिली को उसको कर्जा उसके बाप को लाना पड़ेगा, सो आई विल क्लेम थ्रू दोज दैट ऑल अमाउंट एंड देयर अनदर विक्टिम कंपनसेशन एक्ट अंडर दैट शी इज ऑल्सो एंटाइटलमेंट फॉर द कंपनसेशन विच इज पेड बाई द गवर्नमेंट। और थर्ड है इनको रिजर्वेशन दिया 2% और 1% इन द जॉब, so she must get a job so that she can see their life. So this is my main this aim in this case, कि आई विल प्रे एंड मेक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाई द कोर्ट फॉर गेटिंग द लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टू एक्यूज सो डेट ए स्ट्रांग मैसेज विल गो टू द सोसाइटी, ऐसी मैसेज कि आइंदा कोई जवान इसकी जरूरत नहीं कि इनको पता है मुझे फिर जेल में सड़ना है उम्र भर के लिए, ये नहीं है 10 साल हुआ तो फिर वो ऐश करेगा। सो मेरी यही कोशिश होगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट, अल्लाह के फजल से मैं कोशिश करूंगा, आई विल कन्विंस द ऑनरेबल कोर्ट फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तेली साहब थे जो एडवोकेट और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस में है, तो इन्होंने बताया कि हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए लड़ेंगे ताकि यहाँ पर सोसाइटी को ये मैसेज आए कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली अगर कोई भी इस तरह का गुनोनी हरकत करता है तो इसके लिए सड़ना फिर जेल में ही रहे। तो ये बता रहे हैं कि 19 तारीख को अब इसकी समाप्त है और ये उन एक्यूज्ड के लिए लड़ेंगे और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ही ये सज़ा जो है मुकर्रर कराएंगे। फिरदौस लाइव जानवानी, जेके न्यूज़ रेसनगर। Oh, oh, oh.